हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दो मेथड्स हम लोग सॉल्व करने के देख चुके हैं, एक था एलिमिनेशन मेथड से और दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। याद है दोनों मेथड्स? एक एग्जांपल दे दूं? चलो एक एग्जांपल दूसरा लेके सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोनों मेथड्स को रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास दूसरा इक्वेशन है x प्लस टू वाई इलेवन, एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू इलेवन, ठीक है। इसको अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x इजिकल टू वाई माइनस सेवन माइनस वाई। याद आ रहा है कुछ? 7 माइनस वाई, और इस x की वैल्यू को यहां पे रख देंगे, 7 माइनस वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू इलेवन। यहां से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू फोर, है ना, और सॉरी 18, ठीक ही तो था, y इज इक्वल टू फोर, है ना। ये हमें y की वैल्यू मिलेगी। अब इस y को यहां पे डाल देंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, 3 प्लस फोर इजिकल टू सेवन, यह सेटिस्फाई हो गया। 3 प्लस एट इजिकल टू इलेवन, यह सेटिस्फाई हो गया। यह कौन सा मेथड हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम भी गलत है। यह हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहीं अगर एलिमिनेशन की हम लोग बात करेंगे तो क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों को प्लस या माइनस करके एक वेरिएबल को खत्म करना रहता है। तो यहां पे सीधा सीधा इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एक्स खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, यानी कि वाई इज इक्वल टू फोर, वाई फोर आएगा। फिर से यहां पे वाई की वैल्यू यहां पे डाल देंगे फोर, तो एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी। यह था हमारा एलिमिनेशन मेथड। याद आ रहा है दोनों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दो। तो जो हमारा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन एक मिनट में रहने देता हूं यहां पे, इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी यहां पे छोड़ देता हूं। अभी हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात की थी पहले भी कि जैसे जैसे x की वैल्यू देंगे हम लोग, y की वैल्यू दूसरी आती जाएगी। जैसे अगर x की वैल्यू जीरो डाल दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेवन। x की वैल्यू वन डालें तो y की वैल्यू क्या होगी, सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन। अगर x की वैल्यू टू डालें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव। x की वैल्यू थ्री डालें, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर, ठीक है ना। तो हमारा सॉल्यूशन 3.4 आया था, x कॉमा y का वैल्यू जब दोनों को एक साथ सॉल्व किया था तो सॉल्यूशन 3.4 आया था। बट सिर्फ एक इक्वेशन, सिर्फ इसकी जब बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। माइनस वन अगर एक्स को रख लेंगे तो वाई की वैल्यू एट आ जाएगी, माइनस टू अगर रख लेंगे तो वाई की वैल्यू नाइन आ जाएगी, है ना। ये सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। दूसरे इक्वेशन को अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अभी। अगर हम लोग को सिर्फ एक इक्वेशन दिया जाए उसमें दो वेरिएबल हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करेंगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यह सारी जो वैल्यूज आई इसको हम लोग या तो टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं या इस इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दो तरीके तो हो गए, है ना। ये इस इक्वेशन में लिख दिया मतलब ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी हैं, या ये टेबल बना दिए हैं तो भी ये सारी वैल्यूज लिख दी हैं। और कोई तरीका हो सकता है इन सारी वैल्यूज को दिखाने का, इस इक्वेशन में ये पूरा टेबल छुपा हुआ है, बात समझ में आ रही है ना। ये पूरी जो टेबल बनी है, ये पूरी की पूरी टेबल ऊपर वाली इक्वेशन में छुपी हुई है। इसी इक्वेशन से, फेक इसी इक्वेशन से इसको लिखा है हमने। वैसे ही अगर ये पूरी टेबल दे दी जाए तो इससे ये इक्वेशन भी हम लोग बना सकते हैं ना, आराम से बन जाएगा। तो दो तरीके हो गए ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के। और कोई तरीका हो सकता है क्या? एक तरीका और क्या हो सकता है कि हम लोग ग्राफ बना दें एक्स और वाई का। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले बना देता हूं मैं,
ठीक है, इस तरह का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। यहां पे तो जीरो आएगा, वन टू थ्री फोर, इधर आए तो ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वाई पे आए तो वन टू और ऊपर थ्री फोर आ जाएगा, नीचे आए तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, यह हमारा जीरो है, वन टू थ्री फोर, वन टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, यहाँ पे भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और ये प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, इस तरह से है ना। इसमें जीरो और सेवन को प्लॉट करना हो तो अच्छा ऊपर आ जाएगा। चलो इस इक्वेशन को एक बार हटा देता हूँ मैं, हमारा जीरो कॉमा सेवन कहीं यहाँ पे आएगा, है ना, एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू सेवन, वन कॉमा सिक्स कुछ यहाँ पे आएगा, टू कॉमा फाइव इधर कहीं पे आएगा, है ना, टू में ऊपर आएगा फाइव पे, थ्री कॉमा फोर यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगी, कुछ इस तरह आएगा, है ना, यह एक्स एक्सिस भी ऊपर तक गई हुई होगी, ये इधर भी बढ़ा हुआ होगा, और एक हमें लाइन बन जाएगी। इस लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं जो इस टेबल में लिखे हमने, और जो नहीं लिखे हैं टेबल में लेकिन इस इक्वेशन से निकल सकते हैं वो भी इस लाइन में है। जैसे अगर x की वैल्यू 3.5 ले लें तो कुछ वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, 2.5 आ सकता है। देखो अगर x की वैल्यू 3.5 रखा, x की वैल्यू अगर 3.5 रखा तो y की वैल्यू भी 3.5 आएगी, आएगी ना। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यह ग्राफ तो गंदा सा बन गया, चलो नेक्स्ट पेज पे एक साफ सुथरा ग्राफ बनाते हैं। तो ये एक इक्वेशन था, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, इस पर सारी वैल्यूज निकाल के देखें, x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, थ्री, x की वैल्यू वन रखेंगे तो y की वैल्यू 2.5, x की वैल्यू टू रखेंगे तो y की वैल्यू टू, x की वैल्यू थ्री रखेंगे तो y की वैल्यू 1.5, वही सब चीज़ इस ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है। देखो जीरो कॉमा थ्री यह पॉइंट है, जीरो कॉमा थ्री, टू कॉमा टू, है ना, टू कॉमा टू भी है। अब फोर रखेंगे एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, वह भी है। एक्स की वैल्यू अगर सिक्स रखेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वह भी पॉइंट है। और इन सब के बीच में जो नंबर्स हैं जैसे 1.2.5, इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो कुछ यहीं आएगा ना, थ्री और टू के बीच में आएगा, एक्स की वैल्यू जब वन होगी तो थ्री और टू के बीच में कुछ वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू है 2.5। समझ में आ रही है बात, टू और थ्री के बीच में जब वन की वैल्यू लेंगे, हाँ सॉरी, टू और फोर के बीच में जब एक्स की वैल्यू लेंगे थ्री, तो इस लाइन को ऊपर ऐसे ले जाएंगे और हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन और टू के बीच में आएगी ना, वाई यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, ये दोनों वन, ये टू है, यह वन है, इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू आ जाएगी 2.1.5 जो हमें यहाँ पे आ रखा है। बात समझ में आ रही है, इस तरह से हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, अब यह क्वेश्चन है हमारे पास एक, डस्ट पॉइंट 10, -1 लाई ऑन दिस लाइन, तो एक्स की वैल्यू 10 रख के देख लेते हैं वाई की वैल्यू क्या होती है। एक्स की वैल्यू जब 10 रखेंगे तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस फोर, वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, आएगी ना। तो 10, -2 इस लाइन पे है, 10, -2 इस लाइन पे है, 10, -1 इस लाइन पे नहीं है। तो कोई भी एक पॉइंट लेके ग्राफ पेपर में, तो सारे पूरे ग्राफ पेपर को हम लोग पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेके डिसाइड कर सकते हैं कि वह हमारा पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं है। दो ही वैल्यूज होंगी, या तो इस लाइन के ऊपर होगा या इस लाइन पे नहीं होगा, बस ये डिसाइड कर देना है लाइन पे है या नहीं है।
अब इसका यूज कहाँ पे आता है, जैसे अब हमें एक यह लाइन दिया है, उसी तरह से एक दूसरा इक्वेशन दे दिया जाए और वो कुछ इस तरह से जाता है, तो दो लाइन बन जाएंगी, दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलेगी, है ना, वो यहाँ पे भी मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बराबर से चलती जाए, बहुत दूर जाने के बाद मिले, ऐसा भी हो सकता है, कुछ इस तरह की लाइन भी बन सकती है जो बहुत दूर जाने के बाद मिले, और ऐसी भी लाइन बन सकती है जो कभी ना मिले, दोनों पैरेलल हो जाए, हर तरीके की लाइन बन सकती है, ये दोनों पैरेलल होंगे, है ना। इस लाइन की और इस लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों कभी नहीं मिलेंगे, दोनों पैरेलल हैं, कभी नहीं मिलेंगे। जनरल केस में दोनों लाइन मिल जाती हैं, अगर पैरेलल नहीं हो तो कहीं ना कहीं मिलेंगी, या तो यहाँ सामने मिल जाए या बहुत दूर जाके मिले, जैसा कि इस केस में होगा, ये दोनों लाइन बहुत दूर जा करके कहीं पर मिल जाएंगी, है ना। तो यदि हमें दोनों लाइन दी हुई है तो हम लोग ग्राफ से भी निकाल सकते हैं कि दोनों लाइन कहाँ पर मिल रही हैं, है ना, ये पॉइंट देख के तो डिसाइड कर बता ही सकते हैं ना कहाँ पर है यह पॉइंट। तो ग्राफ का यह भी एक फायदा होता है कि हम लोग ग्राफ से भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन लिया, इसका ग्राफ बना दिया, दूसरा इक्वेशन लिया, उसका ग्राफ बना दिया, और दोनों लाइन के ग्राफ को चेक कर लो कहाँ पे मिल रहा है। खैर, इस मेथड से हम लोग एक्चुअली सॉल्व नहीं कर सकते, बड़ा लंबा मेथड हो जाता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं जरूर। जैसे देखो, ये दोनों अगर हमें दिया जाए इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 3, इसकी एक ग्राफ बना सकते हैं, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 लेंगे तो y 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, -1/3, है ना। x की वैल्यू -1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 7/3, है ना। तो इसको अगर ग्राफ पे हम लोग प्लॉट कर दें तो कुछ इस तरह का आएगा, चलो ग्राफ बना के दिखाई देता हूं मैं। जीरो तो यहां पे आएगा, 1, 2, 3 के बाद 1 को अगर ले लेते हैं, 1, 2, 3 के बाद 2 ले लिया, 1, 2, 3 के बाद 3 ले लिया, है ना, उसी तरह से y में 1, 2, 3 के बाद 1 लिया, 1, 2, 3 के बाद 2 लिया, तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, 0, 1 यह पॉइंट है ना, एक पॉइंट यहाँ पे है 0, 1, एक क्या है 1, -1/3, 1, 2, 3 में -1 आएगा, -1/3 यहाँ पे आ जाएगा, 1, -1/3 एक यह पॉइंट है, है ना। और क्या है, -1, -7/3, -1 पे अगर आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 7/3, मतलब 2 से ऊपर आ जाएगा, 7/3। तो इस तीनों लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करें, तीनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करें, ये 1 और ये तीसरा पॉइंट, इन तीनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक ग्राफ हमारा बन गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से अब अगर दूसरे इक्वेशन को लें हम लोग, 2x + y = 1, x की वैल्यू 0 डाले तो y की वैल्यू 1, है ना, x की वैल्यू 1 डाले तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 डाले तो y की वैल्यू -1 या +1 है, है ना, और x की वैल्यू -1 डाले तो y की वैल्यू 3। इन तीनों पॉइंट को लगा दिया जाए, अब 0, 1 यह पॉइंट तो आएगा ही, है ना, 0, 1 यहाँ पे भी था, यहाँ पर भी था, 1, -1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे आ जाएगा यह पॉइंट, और दूसरा क्या है, -1, 3, जब -1 होगा तो 3 इसके भी ऊपर चला जाएगा, -1, 3 यहाँ पे आएगा यह पॉइंट, है ना। अब इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, सबसे ऊपर था हमारे पास -1, 3, बीच में था 0, 1 और तीसरा पॉइंट था 1, 3। देख लो, ग्राफ ड्रॉ करने से भी हमारा यहाँ पे मीट हो गया दोनों लाइन, तो यह भी एक तरीका है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। प्रैक्टिकली एग्जाम में इससे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन SSC में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, तो यह तरीका दिमाग में जरूर होना चाहिए,
क्वेश्चन देख ले हम लोग जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है जो एसएससी 2019 में आया हुआ है, ट्रिपल नाइन एक्स प्लस ट्रिपल एट वाई इज इक्वल टू 1132, ट्रिपल एट एक्स प्लस ट्रिपल नाइन वाई इज इक्वल टू 555। देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई? देखो अब एक्स और वाई अलग अलग नहीं निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है। तो इक्वेशन से कंफर्टेबल होगे तो आराम से निकलेगा, कंफर्टेबल नहीं होगे तो एक्स की वैल्यू अलग से निकालोगे, वाई की वैल्यू अलग से निकालोगे, लंबा तरीका लग जाएगा, है ना। तो इक्वेशन को देख करके उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नहीं देखा है तो क्या हुआ, बनेगा ना क्वेश्चन, तो फिर भी बन ही जाएगा। जैसे अब यह इक्वेशन है तो देखो इसमें 111 कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी 111 कॉमन ले सकते हैं, यहां से कैंसिल हो जाएगा 111, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यहां पे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 9x 111 को कैंसिल करा देते हैं, अगर 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 12, है ना, जो इक्वेशन था उसी को लिखा है, थोड़ा सा आसान तरीके से लिख दिया है। ठीक उसी तरह से इसमें से भी 111 111 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलो इक्वेशन तो आसान हो गया, सॉल्व करना हमें आता भी है लेकिन निकालना है हमें x प्लस वाई। तो अब देखो ना सामने दिख रहा है, 9 प्लस 8 करेंगे 17, 9 प्लस 8 करेंगे 17, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास 17 टाइम्स x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 17, तो यहां से x प्लस वाई आ गया 1। दिख रहा है कैसे आया सॉल्यूशन, पूछा या हमने पढ़ा कुछ और था, पढ़ा कुछ और तरीका था, लेकिन इक्वेशन देख करके अब तो कंफर्टेबल हो गए हैं तो निकाल सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन देखा, ये ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस वाई 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट पी एक्स 1 कॉमा वाई 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x 1 प्लस वाई 1? तो देखो इसमें ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ हमारे सिर्फ दिमाग में है कि हाँ ऐसा होता है ग्राफ, यह होता है, लेकिन ग्राफ बनाना नहीं। इसको सॉल्व तो हम लोग पेपर पेन पे ऐसे ही करेंगे ना। क्या है हमारे पास इक्वेशन, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और है 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वाई खत्म हो गया, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो किसी में भी डाल दो एक्स की वैल्यू 2। मान लो इसमें एक्स की वैल्यू 2 डाली तो क्या होगा, 6 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1, एक्स 1 है, या वाई की वैल्यू आ गई माइनस 1, एक्स 1 और वाई 1 आ गया, तो 3x 1 प्लस वाई 1 निकालने में कितना समय लगेगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ऑप्शन बी। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन इसी तरह का आता है, कोई एग्जाम में जनरली जो आता है इसी तरह का आता है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना क्या होता है। अब ग्राफ लिखा है इसका मतलब यह तो नहीं कि ग्राफ प्लॉट करने बैठ जाओगे, हमें पता है जब सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वहीं पे जाके दोनों ग्राफ मिलेंगे और